नमस्कार, मैं विद्या झा सालपास किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर चटनी। देखिए, सांभर बनाने के लिए हमें सबसे पहले कद्दू, गाजर, बैंगन, लौकी इन सब्जियों का उपयोग करते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे सेंगा इत्यादि। देखिए, सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में भिगोया हुआ दाल लेंगे। दाल को आधा घंटा भिगो के रख दे। तुअर की दाल है ये मैंने दाल लिया। अब सारी सब्जियां अपने पसंद के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। अब उसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, और अब उसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी अभी थोड़ा सा कम ही देंगे क्योंकि बाद में फिर और ऐड करना है। अब मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया ताकि वो ऊपर ना उड़े। अब मैंने कुकर को बंद कर दिया और उसे फुल आंच पे 2-3 सीटी लगने दीजिए। और ये है नारियल की चटनी। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई गरम करके चने का दाल छोटी कटोरी से, एक कटोरी लेके उसको मीडियम आंच पे सेक लेते हैं। जब ये गोल्डन कलर का हो जाए, जब इसमें खुशबू आने लग जाए, तब हम इसे उतार लेंगे और पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। तो हम चटनी के लिए चने की दाल धुली हुई, नारियल पाउडर, हरी मिर्च ले ली है। अब जार में हम इसे डाल देंगे सब सामग्री को। ये डाल दिया मैंने हरी मिर्च, नारियल बूरा डाला हुआ है, ये चने की दाल, और अब इसमें चने की दाल के साथ साथ चटनी की क्वांटिटी के हिसाब से उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर डाल दिया मैंने। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें और इसे पीस लीजिए। ये देखिए, मैंने पीस लिया। ये इस तरह से चटनी बनके तैयार है। ये देखिए, इस तरह से चटनी बनके तैयार हो गया है। इसे अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से चटनी होनी चाहिए। अब हम कढ़ाई गरम कर लेंगे और इस चटनी में तड़के की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया और अब इसमें जब ये गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे काली राय। गैस को हम सिम कर देंगे। ये मैंने कड़ी पत्ते डाले 6-7। ये तड़का बनके तैयार है। आप चाहे तो इसमें ऊपर से कलर वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे चटनी अच्छी दिखती है। मैंने उसमें क्योंकि ग्रीन मिर्च डाला है इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया है। अब ये चटनी पे तड़का डाल दिया। ये देखिए, हमारा चटनी बनके तैयार है। ये देखिए, लग रहा है ना मस्त। अब हम सांभर की तैयारी करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई गरम करके उसमें ऑयल डाल दिया 2 टेबल स्पून। अब उसमें तेल गरम हो जाने के बाद थोड़ा सा काली राय, और कड़ी पत्ता डाल दीजिए 7-8 पीस, और उसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए मैंने। अगर आप इमली का पल्प डालते हैं तो टमाटर न डालें, क्योंकि मैं इमली नहीं डालती इसलिए टमाटर डाल रही हूँ। उसे अच्छी तरह से भून लीजिए। अब उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। आइए, तब तक हम इडली का बता रहे हैं। ये इडली का पेस्ट है,
जिसे मैंने 2 कप चावल, 1 कप उड़द दाल गला के उसको अच्छी तरह से बारीक पीस लिया था और उसे रात भर छोड़ दिया था। इस तरह से पेस्ट बन के तैयार है, उसे हम इडली के सांचे में डाल देंगे। इडली के सांचे में सबसे पहले तो ऑयल लगाएंगे जब भी डालेंगे, ताकि वो चिपकेगा नहीं। अगर आप 4 कटोरी चावल दे रहे हैं, गला रहे हैं, तो 2 कटोरी उड़द दाल डालिए। ये देखिए, इसको अच्छे से डाल के टैप करके मैंने इडली के सांचे में डाल दिया है और इसे आप ढक दीजिए, 15 मिनट तक होने दीजिए फुल आंच पे। ये जो है सांभर का हम ग्रेवी बना रहे हैं। अब उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और ये सांभर मसाला है वो डाल देंगे आप स्वादानुसार। अब इसे अच्छी तरह से, ये कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी मैंने कलर के लिए, इससे कलर अच्छा आता है सांभर का। अब उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छी तरह से गल जाए, उसके बाद जो हमने दाल बना रखी है सांभर की, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस तरह से, और उसे पलट दीजिए कढ़ाई में। और ये मैंने उसमें थोड़ा सा चटनी भी ऐड कर दिया है, जो चटनी बनाया था मैंने वो थोड़ा इसमें डालने से सांभर का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो ग्रेवी में ये आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो अवॉइड कर दें। अब मैंने ये दाल मिक्स कर दिया है। अब आप इसमें अगर गाढ़ी लगे आपको सांभर, तो बॉईल करके पानी पतला बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने डाल दिया है बॉईल पानी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए। अब ये तेज आंच पे अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और हमारा सांभर बनके करीब करीब तैयार हो गया। आइए तब तक इडली देख लें। ये 15 मिनट के बाद जो है हमारा इडली बनके तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरह। तो देखिए, ये हमारा इडली सांभर चटनी बनके तैयार है और हम आपको अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए।